सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो यार होप करता हूँ बहुत सेफ एंड सिक्योर होंगे। तो यार अभी जा रहे हैं हम लोग, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो पहले अपन जाएंगे थोड़ा कुरुद साइड, क्योंकि वहाँ पे है एक जन, वहाँ से आप लोग को मिलाता हूँ। पहले किससे मिल रहे किससे नहीं। और भाई आज तो वीडियो में ना थोड़ा धमाल हो जाएगा, क्योंकि आज तो विशु आ ही रहे जस्ट, और अभी एक जन से मिलने भी जाना है। तो चलो चलते पहले। एंड भाई आप लोग उनको जानते होंगे, वो भी बहुत बड़े यूट्यूबर है। इनफैक्ट हमारे जो भिलाई है उसकी उन्हीं का सबसे बड़ा यूट्यूबर है वो। तो चलो आप लोग को चलते हैं, मिलवाता हूँ एंड क्या होता है क्या नहीं होता है देख लेना ब्लॉग में। और थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा पंडाल का, तो मेरे घर के पास भी है, तो मैं आप लोग को वो वाला कल दिखाऊंगा ब्लॉग में। तो चलो चलते हैं एंड दिखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आए थे इधर ढांचा भवन साइड, पर अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया। और मैं जिनसे बोल रहा था मिलाऊंगा, ये है अपने भिलाई के सबसे बड़े यूट्यूबर। वीडियो बनाता हूँ बस, आप लोगों को पसंद आती है और भाई भी अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो बना रहे हैं। भाई तुम्हें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बैक टू बैक आप लोगों को वीडियो मिलेगा। अभी तो फिलहाल कुछ रीजन से नहीं आ रहे, पर आएंगे अभी थोड़े दिन में आएंगे, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी में शूट कर रहे। क्यों भाई अपन कैसे चले अचानक जाने के लिए, और आए भी है तो ये देखो क्या हो गया भाई, लाइट ही बंद हो गई पूरी। मतलब मैं तो भूल गया, अपने पास मैं पहले ही भूल गया भाई, विशु भाई आने वाले, मैं उन्हीं को तो बोला था पहले। लेके कौन आया है भाई? आए हैं देखो भाई, मिल लिए थे पहले, फिर लेके आए हैं। पहले भी मैं मिल चुका हूँ, पर वीडियो नहीं बनाता था उस समय। तो अभी जान लो भाई आ गए अपने चैनल पे। चलो आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। चलो भैया जो अभी क्या करने गए थे भैया, ये अभी अभी ज्वाइन हुए हैं भैया हम लोग से पूछ के, पर भैया लाइट बंद हो गई, क्या बोलना चाहोगे? हमारे साथ भाई झूला साइड साइड जाने वाले थे, लाइट बंद हो गई। बहुत हम लोग जस्ट यहाँ खड़े, हम लोग यहीं खड़े हुए। तो अभी देखो क्या होता है क्या नहीं। अभी लाइट आ चुकी है, देख सकते हो काफी बढ़िया दिख रहा है। आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ पहले। एंड अभी चल रहे हैं अंदर, वहाँ पे भैया शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे अभी भैया बातचीत कर रहे हैं कुछ कुछ दिखा रहे हैं। तो अभी चलते हैं अंदर एंड देखते हैं क्या होता है, पूरे सब जा रहे हैं अभी। सो गाइस अभी ये जो है पंडाल, बहुत मतलब इस बार जो है झांकी वाकी कुछ नहीं लगा, क्या बोलना चाहो, कुछ नहीं झांकी वाकी कुछ नहीं लगा इस बार, सिंपल है। मतलब पता नहीं क्यों है, बस भजन हो रहा है भाई, भजन भजन में क्या होता है, मेन तो झांकी रहता है भाई, झांकी में मजा आ जाता है ना। चलो चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं, और देखो इस तरह से कुछ है ना। और अभी एक और चीज है, वहां पे भी चलते हैं देखते हैं। भाई के सब्सक्राइबर मिलने आए हैं देख सकते हो, तो चलो चलते हैं। गाइस अभी अंदर आ चुके हैं भाई, माल बहुत जरूरी है, मेरा माल गिर गया था पर मैं ये पहना था। एंड ये देखो भाई सजावट देखो बहुत बढ़िया है, पहले इस बार सिंपल हुआ पर बहुत अच्छा है। तो देखो गाइस बहुत बढ़िया आई है इस बार की मूर्ति, देख सकते हो। यहाँ पे है मंदिर शिव जी का, देखो अंदर चलते ही हैं, यहाँ आए हैं तो यहाँ पे शिव जी का मंदिर है देख सकते हो, है ना। एंड भाई दर्शन तो हो गए हैं, अभी बस सुबह का वेट कर रहा हूँ मैं कि कब आए वो, तो फिर चलेंगे। एंड सब लोग हैं भाई इस बार, तो आज पता नहीं दुर्गा माता की कृपा थी तो मिल गए। तो अभी अंदर ही फिर से जा रहे हैं, क्योंकि अंदर ही है, मैं जल्दी जल्दी में आ गया बाहर, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे पूरा झूमर से सजाए हुए एंड फूलों से, पर इस बार जो है ना आया है बहुत बढ़िया है देख सकते हो पूरा। एंड मैं बोलूँगा फिर बहुत बढ़िया, पर इस बार सिंपल बैठाया पर झांकी होना चाहिए, तो चलो देखते जाओ। अभी हम पंडित जी से प्रसाद लेंगे, देखो दर्शन हो गए हैं एंड बहुत अच्छी मूर्ति है। अगर आप लोग कुरुद साइड रहते हो, ढांचा भवन साइड, तो आ सकते हो, देख सकते हो पीछे है। तो चलो चलते हैं अभी बाहर का व्यू दिखाते हैं। इधर है पूरा जोत, वहाँ पे पंडाल था पीछे से, और यहाँ पे आए हैं
एंड यहाँ से 111 जोत है ना भाई, कितना जोत है 111 और हर साल बैठते हैं, हर साल ना, ठीक है। तो देख सकते हो बहुत प्यारा दिख रहा है, अंदर जा नहीं सकते क्योंकि अंदर क्यों नहीं जा सकते, सिर्फ आप ही लोग को, चलो मतलब हम लोग तो अलाउड नहीं रहते, जिसका जोत है वो जाके देख सकता है कि जोत पता है पंडित लोग जलाते हैं, पंडित लोग जलाते हैं, पर जिसका है अगर बुझ गया तो वो भी देख सकता है, पर हम लोग मंदिर में देते हैं जैसे, तो हम लोग जाके देख लेते हैं अंदर से ऐसा देखते हैं। तो चलो चलते हैं बाहर, बाहर चले अब, चलो अच्छा भाई अभी शूट करेंगे तो चलो चलो। मेला साइड देखते हैं क्या कुछ है, और इधर पीछे सब कुछ बिक रहा है, एंड देखो भाई साहब भीड़ तो ओपी लेवल की है, नेक्स्ट लेवल वाली भीड़, मतलब यहाँ पे देख सकते हो गेम वेम लग रहा है, मैं पहले बहुत खेलता था है ना, अब तो खेलता नहीं हूँ, एंड देखो GoPro देख के बाद जहाँ जाते हैं भाई के सब्सक्राइबर मिल जाते हैं क्यों भाई, पूरा फूड स्टॉल एंड भैया यहाँ पे मूंगफली मूंगफली एंड बहुत सारे खजूर वजूर, एंड किस किस को ये बहुत पसंद है बताओ, मेरे को तो बहुत पसंद है, जब भी मेरे घर के पास जाता है ये मेरे आम पकड़ बोलते हैं ले लेता हूँ, बहुत बढ़िया लगता है। एंड वहाँ पे भाई त्रिवेदी भैया अभी ज्वाइन हो गए थे पहले से ही, एंड यहाँ पे है विशु भाई, इसमें चलना है विशु, आप इसको सुनाइए उसमें चलना है, चलते हैं उसमें, पहली बार में ऐसा रिप्लाई नहीं देता क्यों, मैं सुना ही नहीं ना देता नहीं तो, अच्छा इसी में चलते हैं अभी, तो गैस अगर राहुल भी अपन मिलेंगे चलेंगे अभी, देखते कैसा रहता है, पर भाई अभी विशु भाई करने वाले शक्तिमान, हाँ अभी फुल कॉमेडी देखने को मिलेगा आपको, चलो भाई स्टार्ट हो जाओ, फुल गलत देख सकते हो यहाँ पे चलो, और वहाँ पे है ट्रेन यार, उसमें बहुत मजा आता था पहले, अब नहीं आता, अब नहीं आता, पर यार वो राहुल भैया बोलते हैं उसमें नहीं जाते, कोई दिक्कत नहीं है, पर त्रिवेदी भी ऐसे पूछते सब एक के बाद एक कल्टी मार रहे हैं ना, पहले बोलते चलेंगे अब नहीं बोलते चलेंगे, पेट दर्द ना भाई, चलो कोई नहीं अभी देखते हैं क्या करते हैं, अभी आप लोगों को देखो क्या हो रहा है, जो होगा दिख जाएगा आप लोगों बन रहा है, देख सकते हो गुड़िया के बाल जो कि बहुत खाते थे बचपन में, देखो जूम करके दिखाओ तो ऐसा बन रहा है कुछ, देखो भाई फुल मेकिंग, देखो बचपन में कितना खाए हो, थोड़ा बहुत हम तो जब भी आता था तब खाते थे, देख सकते हो गुड़िया के बाल, अब यहाँ पे कॉटन कैंडी बोलते हैं, पर अब इसको पता है नहीं, हम बुड्ढी का बाल ही बोलेंगे, हम तो बुड्ढी के बाल ही बोलेंगे क्योंकि कॉटन कैंडी अब बहुत, हम बुड्ढी का बाल बोलेंगे भाई, हम अपनी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे भाई, क्या बोलते हैं ना, चलो चलते हैं, देखो भाई चालू नहीं हुआ है क्योंकि राहुल भैया जाने वाले, पर राहुल भैया का एक कहानी है भैया बताओ क्या था, बस एक बार बैठा हुआ था तो अचानक से मेरे जब झूले जब बंद हुए ना, जब नीचे उतर रहा था उल्टी हो गई थी मेरे को, पर मेरे को नहीं हुआ था भैया ऐसा, आपको आपको क्या हुआ था, चक्कर आता है त्रिवेदी भैया को, चक्कर आ रहा तुमको, मेरे को कुछ नहीं होता कहीं से भी, मेरे को कुछ नहीं होता, बस थोड़ा घुमा घुमा लगता और कुछ नहीं, बाकी इसमें तो जा नहीं रहे, बाय बाय। घूम रहे हैं भाई क्या आप, और ट्रेन लोग की मजा आ रहा है देखने में, तो देखो विशु भाई
सब में है पर इसमें लोग क्यों नहीं है? ये काली घूम रहे गाइस, क्या बोलना चाहोगे? काली देखो, काली जा रहा। तो अभी विजू भाई खिला रहे हैं गुपचुप सबको, एंड यहाँ पे भाई भी है। तो जा रहे हैं घर या कहीं पे और जाएंगे, पर बैटरी है नहीं शूट करने लायक, इसका तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है। एंड अभी 9% है, 9 दिन चलेगा मेरा बैटरी, 9 दिन नहीं चलेगा। बताओ आप लोग कमेंट करके बताओ 9% में कितना चलता है। अभी घर जाते हैं भैया, अभी कहाँ जाएंगे बताओ? अभी हम सेकंड टाइम जा रहे हैं, पर हम घर जा रहे हैं पता नहीं है ना, क्योंकि घर से कॉल आ रहा है। तो चलो चलते हैं देखते हैं। सो भैया अभी कहाँ जाओगे? और भैया का ये गाड़ी है, एंड भैया का क्या सेटअप है भाई, मजा आ गया। चलो भैया फिर मिलते हैं आपसे भाई। बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड वहाँ से हम लोग डायरेक्ट आ गए थे घर, एंड भाई लोग गए हैं सेक्टर 10, एंड विशु और मैं यहाँ पे आ गए थे क्योंकि हम दोनों के फ़ोन में बैटरी नहीं थी, एंड बहुत लेट भी हो रहा था, घर से कॉल आ रहा था। एंड वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई होगी आप लोग को, वैसे तो पसंद आई होगी भाई क्योंकि राहुल व्लॉग्स भी थे एंड बहुत फन हुआ हम लोग वीडियो में, और मतलब हम लोग बहुत सारी बातें किए, ये किए। वैसे तो मैं सेकंड टाइम मिला था, एंड त्रिवेदी भाई भी बीच में ज्वाइन हो गए थे तो मैं उनका ज़्यादा ले नहीं पाया। एंड भाई देखो भाई बहुत मज़ा आया वीडियो में, एंड चलो मैं मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।